इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई जो हम होती है हमारी वो हम हमारी जो है डिस्कनेक्ट होती है, बार बार ड्रॉपिंग हो जाती है हमारे वीवो के फ़ोन्स में। तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ज़रा से यहाँ पर समझ लीजिए। आपको सेटिंग्स उस वाले मोबाइल में करनी है ये जिस मोबाइल में आप हॉटस्पॉट चला रहे हैं, यानी कि वाईफाई तो आप कनेक्ट कर रहे हैं किसी और मोबाइल में, तो वाईफाई वाले को छोड़ दीजिए। जो यहाँ पर हॉटस्पॉट रहता है ना, उस पर ध्यान दीजिए, वो ड्रॉप होता है। आप इसमें वाईफाई भी लगा सकते हैं, हॉटस्पॉट भी लगा सकते हैं, कोई सा भी सेटिंग्स लगा सकते हैं। तो वाला मोबाइल लेना है जिसमें हम हॉटस्पॉट चलाते हैं, तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा पर्सनल हॉटस्पॉट। तो पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाना है, और जैसे ही पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाएंगे तो मोबाइल में डिफरेंट्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन जो हमारा वीवो का फ़ोन है इसमें ये ऊपर ही मिल गया। यहाँ पर आपको दिखा रहा है डेटा लिमिट पर यूज़। तो जैसे हम इस पर जाते हैं तो यहाँ पर कभी कभी जो है 20 MB पर लगता है, और कोई भी मोबाइल में 20 MB से ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दूसरी कंडीशंस यहाँ पर ये रहती है, नंबर ऑफ कनेक्शन अलाउड। यहाँ पर जो है एक कनेक्शन लगता है, लेकिन अगर दूसरे वाले कनेक्शन से आप कनेक्ट करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, वो ड्रॉपिड ही दिखाता है। लेकिन ड्रॉपिड का सिस्टम ये है कि ऑटोमेटिकली ड्रॉपिड होने लग जाता है। तो ये प्रोसेस है इसका और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। बाकी अगर आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।